गेहूं की उठान नहीं होने से मंडी में हंगामा। आढ़तियों ने किया अनाज मंडी में हंगामा। मंडी में खुले में पड़ा है गेहूं, किसानों की नहीं हो रही पेमेंट। एसडीएम ने किया जल्द समाधान का आश्वासन दिया है एसडीएम ने। तो एक तरफ किसानों ने जो अपना गेहूं मंडी में बेचा है वो मंडियों में ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसको लेकर आढ़तियों ने हंगामा किया क्योंकि गेहूं उठाया नहीं गया है और किसानों की पेमेंट नहीं हुई है। हालांकि जब एसडीएम से इस बारे में बातचीत की तो एसडीएम ने जल्द इसका समाधान होने का आश्वासन दिया है। बल्लभगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, आढ़तियों ने अनाज मंडी में हंगामा किया और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में अनाज जो है इकट्ठा है और ये अनाज अभी तक मंडियों से उठाया नहीं गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आढ़तियों को भी चिंता है कि अगर मौसम चेंज हो जाता है, अगर किसी तरह की कोई घटना हो जाती है तो एक बड़ा नुकसान यह हो सकता है, जिसको लेकर आढ़तियों के बीच भारी रोष है और उन्होंने मांग की है कि इस गेहूं के जो गेहूं है उसे जल्द से जल्द उठाया जाए। आज सुबह सुबह बल्लभगढ़ की मंडी की बात करें तो यहाँ काफी संख्या में आढ़ती इकट्ठे हुए हैं। किस समस्या के कारण ये इकट्ठे हुए हैं और क्या बड़ी समस्या यहाँ पर आई है जिसको लेकर एकदम से यहाँ काफी हंगामा हुआ है, आइए जानते हैं उन्हीं आढ़तियों से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अमित मंगला है जी। अमित जी, क्या समस्या हुई है मंडी में? समस्या लोडिंग की समस्या आ रही है जी हमारे यहाँ मंडी में। ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं दे रहा है जी, वो एक कांटे को फिक्स लेके वो कह रहा है कांटा होगा तो उसी कांटे पे होगा और किसी कांटे पे कांटा नहीं होगा। उस कांटे से उसकी सेटिंग है क्या है ये हम नहीं कह सकते, मगर और बाकी दो कांटे और है हमारे यहाँ पे RSPL श्री गोपाल, उन पे कांटा करवा के जो FCI में माल जा रहा है बिल्कुल बराबर उतर रहा है, मगर उसको उस कांटे पे ऑब्जेक्शन आ रहा है कराने में। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपक गुप्ता है। क्या समस्या है? समस्या यही है जो हमारे भैया ने बताया कि उठान नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या मौसम की है, जो माल है ज्यादातर प्लास्टिक के कट्टों में पैक है, अगर उसमें थोड़ा भी पानी लग गया तो वो सड़ जाएगा, तो आढ़ती उसको कहाँ तक वहन करेगा? अपने 40 रुपए क्विंटल की आढ़त के अंदर ना वो क्या क्या करेगा आप समझो, उसकी मजदूरी में सब बराबर हो जाते हैं। वैसे ही खेतों में गेहूं का क्वालिटी की समस्या हो रही है, जो FCI अगर किसी का जा भी रहा है तो उसे वापस कर रही है, तो वो कैसे मैनेज कर पाएंगे हम लोग? जो पैदा हो रहा है वही तो हम देंगे आप गवर्नमेंट को आगे, उसको आप हमें रिफंड करोगे या माल को टाइम पे नहीं उठाओगे या माल सड़ जाएगा तो हम कहाँ से देंगे उसमें? तो मंडी में आढ़ती काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या बता रहे हैं? इन्होंने कल शाम को मुझे समस्या बताया कि मंडी से लिफ्टिंग नहीं हो रही है, जो हमने एजेंसियाँ लिफ्टिंग के लिए निर्धारित की हैं वो उनका काम ठीक नहीं है, ऐसा मेरे को बताया। तो इसी का जायजा लेने के लिए मैं मंडी में आज मैं आया हूँ, तो मैंने भी देखा है काफ़ी मात्रा में गेहूँ के कट्टे रखे हुए हैं, लगभग 2.25 लाख के आसपास कट्टे यहाँ पे हैं। तो थोड़ा इशू रहा है ट्रांसपोर्टर की तरफ से भी, अभी इन्होंने बताया कि कांटे को लेकर के दिक्कत है कि कोई माल वहाँ पे जहाँ उतरता है वहाँ कम हो जाता है, तो इसकी हम जांच करेंगे और आज ही हम सुनिश्चित करेंगे कि ये जो कट्टे रखे हुए हैं ये गोदाम में पहुँच जाए। सर हालांकि समस्या आढ़ती की हो, ट्रांसपोर्टर की हो, प्राइवेट एजेंसियों की हो जो सरकार ने निर्धारित की गई है या प्रशासन की हो, लेकिन इसका भुगतान या इसको जो भुगतना पड़ेगा वो तो किसान को भुगतना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी पेमेंट में जो देरी हो रही है तो किसान भुगत रहा है इसको। नहीं, आज ही हम इसको सुनिश्चित करेंगे और जो भी आपने अभी बताया है कि भाई ये दिक्कत है ये हमें ही पता है, जैसे हमें पता लगा है तो इसीलिए हम इसका समाधान करने के लिए आज सारे यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि आज हालांकि खरीद करते हुए 15वां दिन है, 1 तारीख को खरीद शुरू हुई थी, अभी तक कितने किसानों की अकाउंट में पैसा जा चुका है सर? ये तो सेक्रेटरी साहब बताएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी साहब कितने अकाउंट में गया पैसे?